मिंटका पास, ये ट्राई जंक्शन है इंडिया अफगानिस्तान एंड चाइना, तो इट मिंटका पास, तो यहाँ से आता है अफगानिस्तान, यहाँ पे आता है चाइना एंड इंडिया अपना पार्ट मानता है, तो ये इंडिया चाइना एंड अफगानिस्तान के बीच में है मिंटका पास। मिंटका पास इंडिया चाइना अफगानिस्तान, मिंटका पास बिटवीन द इंडिया चाइना एंड अफगानिस्तान। तो मिंटका पास देखा, ये है यहाँ पे है अफगानिस्तान वाला बॉर्डर, ये चाइना वाला बॉर्डर, तो यहाँ पे ये है मिंटका पास एंड इसके ईस्ट में है ये पार्पेक पास, तो इसके ईस्ट में है पार्पेक पास, ये पार्पेक पास एंड खुंजेरा पास, ये दोनों कश्मीर को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, पार्पेक पास एंड खुंजेरा पास, पार्पेक पास एंड खुंजेरा पास। तो मिंटका पास है, मिंटका पास इंडिया अफगानिस्तान एंड इंडिया अफगानिस्तान एंड चाइना एंड पार्पेक पास है, पार्पेक पास एंड खुंजेरा पास, पार्पेक पास एंड खुंजेरा पास है इंडिया चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच में पार्पेक पास एंड खुंजेरा पास। जो केटू माउंटेन है, केटू माउंटेन के नॉर्थ में है अगील पास, अगील पास ये कनेक्ट करता है इंडिया इंडिया के रीजन को, यहाँ पे जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, तो जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से कनेक्ट करता है। तो हमने देखा मिंटका पास, पार्पेक पास, खुंजेराम पास, फिर यहाँ पे है अगील पास, तो ये है अगील पास, ये है जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे अगील पास है, ये हमारे काराकोरम एरिया को जिंगजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है, केटू पीक के ऊपर, केटू पीक हाईएस्ट पीक इंडिया के एंड हिमालय की हाईएस्ट पीक की पूछे तो वो है कंचनजंगा एंड केटू पीक ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक है और इंडिया की हाईएस्ट पीक है। तो हमने देखा था ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद पीर पंजाल रेंज, जस्कर रेंज, तो पीस पर पंजाल रेंज पे है, तो ये इंडिया का मैप है, तो पीर पंजाल रेंज पे है बनिहाल पास, तो पीर पंजाल रेंज पे है बनिहाल पास, ये बनिहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू टू श्रीनगर, तो यहाँ पे जम्मू है यहाँ पे श्रीनगर, इसको कनेक्ट करता है बनिहाल पास, तो जम्मू टू श्रीनगर, तो यह है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज पे है बनिहाल पास, बनिहाल पास ये जम्मू, ये श्रीनगर है, ये जम्मू है, जम्मू को श्रीनगर कनेक्ट करता है, तो ये 1956 में यहाँ पे जवाहर टनल बनी थी, तब से ये यूज हो रहा है, तो ये जवाहर टनल बनी थी 1956 में एंड ये अब इसको इसको बंद कर दिया इस टनल को, अभी यहाँ पे रेलवे रेलवे बिछा देंगे, 2013 से यहाँ से रेलवे चल रही है जम्मू को कश्मीर से जोड़ने के लिए, ना रोड ट्रांसपोर्ट नहीं यूज होता है यहाँ पे, फिर रेलवे यूज होती है बस। फिर जम्मू एंड कश्मीर में चैंगला पास, चैंगला पास किसको कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे है चैंगला पास, ये लद्दाख रीजन को तिब्बत रीजन से कनेक्ट करता है, ये है चैंगला पास, लद्दाख टू तिब्बत, चैंगला पास लद्दाख एंड तिब्बत, चैंगला पास लद्दाख एंड तिब्बत। सो ये खारदुंगला पास है, ये लद्दाख रीजन में है, लद्दाख रीजन में है, ले में, ले पे है खारदुंगला पास एंड यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनी है, 5,000 मीटर पे है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड एंड ये विंटर में क्लोज रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो खारदुंगला पास ले में है, लद्दाख, लद्दाख ले में है खारदुंगला पास। फिर चैंगला है, चैंगला भी तिब्बत को चाइना से कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे है चैंगला एंड यहाँ पे ये अक्साई चिन वाले पार्ट में चैंगला एंड ये इस यहाँ पे मोटरेबल रोड बनाई इस पास से कि जो तिब्बत रीजन है चाइना का, वो इधर जिंगजियांग प्रोविंस से कनेक्ट हो जाए, तो ये चैंगला है, चैंगला ये अक्साई चिन वाले एरिया में है, लद्दाख को ये अक्साई चिन वाले एरिया से कनेक्ट करता है चैंगला। तो शॉर्टेस्ट एंड ईजियस्ट रूट, पहले जम्मू हमें जम्मू से कश्मीर पहुंचने में बीच में ये पीर पांजल पास वो पड़ता है, पीर पांजल रेंज पड़ती है, तो यहाँ पे है पीर पांजल पास, ये शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है जम्मू एंड से कश्मीर के बीच में, आराम से आप जा सकते थे, लेकिन आप बनिहाल पास यूज करते हैं, ये पीर पांजल पास को क्लोज कर दिया गया है पार्टीशन के बाद, क्योंकि ये एरिया किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, पाकिस्तान ने, पीर पांजल पास यूज नहीं होता है, बनिहाल पास यूज होता है, जवाहर टनल बनी थी, जवाहर टनल 1956, अब रेल यूज होती है रेलवे। फिर काराकोरम ऊपर अगर हम देखें, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में काराकोरम पास है एक, तो एंड कारा तागला पास है, कारा तागला पास, कारा तागला पास, तो काराकोरम पास एंड कारा तागला पास ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में कारा तागला पास एंड काराकोरम पास, कारा तागला पास एंड फिर है एमिसला, एमिसला ये लद्दाख रीजन को तिब्बत वाले एरिया से कनेक्ट करता है, तो ये है लद्दाख रीजन एंड यहाँ पे एमिसला, तो ये जम्मू कश्मीर के नीचे है एमिसला, इमिसला ये लद्दाख रीजन को तिब्बत से कनेक्ट करता है इमिसला। फिर कश्मीर वैली टू लद्दाख कोई पास है, कश्मीर वैली टू लद्दाख है पेंसिला पास, ये कश्मीर वैली टू लद्दाख एरिया में कनेक्ट करता है ये पेंसिला पास, कश्मीर वैली टू लद्दाख पेंसिला पास, कश्मीर वैली टू लद्दाख पेंसिला पास, पेंसिला पास। फिर जोजिला पास है, जोजिला पास के इंपॉर्टेंट है ये काराकोरम एंड लद्दाख को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली से, तो यहाँ से काराकोरम एंड लद्दाख को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली से, यहाँ पे है जोजिला पास, जोजिला पास काराकोरम लद्दाख को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली से। यहाँ पे नेशनल हाईवे 1 भी बना है, नेशनल हाईवे 1D बना हुआ है यहाँ पे,
मोटरेबल रोड है श्रीनगर, श्रीनगर एक साइड है, कार्लिंग एंड ले अलदर साइड है, तो ऐसे मोटरेबल रोड बनी हुई है एंड BRO इस रोड को मैनेज करता है एंड स्नो अगर हो जाती है तो इसे मेल्ट तो हटाता है एफर्ट्स एंड यहाँ पे, लेकिन रेनी सीजन में बंद रहता है। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट पासेस देखे तो यहाँ पे है मिंटका पास, मिंटका पास अफगानिस्तान चाइना एंड जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है मिंटका पास, एंड ये है पार्पिक पास एंड खुंजेराम पास, पार्पिक पास एंड खुंजेराम पास ये इंडिया को, इंडिया के इस रीजन को कनेक्ट करता है जिंगजियांग प्रोविंस एंड चाइना। फिर अघील पास, अघील पास ये काराकोरम रेंज के ऊपर है, अघील पास ये भी इंडिया को कनेक्ट करता है चाइना से। फिर काराकोरम एंड कराताग्ला, ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में दो पासेस हैं, काराकोरम पास एंड कराताग्ला पास, कराताग्ला पास। फिर ये इंडिया में है चेंगला, चेंगला पास ये लेह में है। फिर यहाँ पे है खारदुंगला पास, खारदुंगला पास भी लेह में है, खारदुंगला पास। फिर ये लनकला, लनकना ये अक्षय चिन्ह में, अक्षय चिन्ह में यहाँ पे चेंगला, चेंगला पे मोटरेबल रोड बनाई है। फिर लनकना ये लद्दाख रीजन को तिब्बत से कनेक्ट है, केप सांगला ये भी लद्दाख रीजन को इसे कनेक्ट है, जराला ये भी लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है, इमिसला ये भी लद्दाख को ये कनेक्ट करता है, लद्दाख को इधर से लनकना, केप सांगला जराला एंड इमिसला ये तीनों लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, लनकला केप सांगला जराला एंड इमिसला ये चारों लद्दाख को कनेक्ट करते हैं एंड चेंगला ये अक्षय चिन्ह में एंड यहाँ पे मोटरेबल रोड बनाया है अक्षय चिन्ह में एंड खारदुंगला पास क्या करता है, खारदुंगला है ले रीजन में, ले रीजन ले लद्दाख में है, खारदुंगला पास ले रीजन में है, खारदुंगला पास। फिर जोजिला पास हमने देखा था, ये श्रीनगर को, जोजिला पास श्रीनगर को कारगिल एंड, तो यहाँ पे है जोजिला पास ये श्रीनगर को कारगिल एंड ले तक कनेक्ट करता है, कारगिल एंड लद्दाख में कनेक्ट करता है। फिर है पेंसिला पास, तो पेंसिला पास क्या करता है, ये कश्मीर वैली को ये काराकोरम रेंज, काराकोरम एरिया में कनेक्ट करता है कश्मीर, पेंसिला पास इसको कनेक्ट करता है। फिर हमने देखा था बनिहाल पास एंड पीर पंजाल पास, तो ये जम्मू कश्मीर में बनिहाल पास, तो ये पीर पंजाल में दो रेंज है, पीर पंजाल पास एंड बनिहाल पास, तो ये जम्मू वैली को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। बनिहाल पास, पीर पंजाल पास बंद कर दिया क्योंकि पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। फिर बनिहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू टू कश्मीर वैली, बनिहाल पास। यहाँ पे जवाहर टनल भी बना थी 1956 में, अब यहाँ पे मोटरेबल, वहाँ पे रेलवे चलती है बनिहाल पास के थ्रू। हिमाचल प्रदेश के पास देखे तो ये है बारालाचला पास, तो ये हिमाचल प्रदेश में पास है बारालाचला पास, ये मंडी इन हिमाचल प्रदेश टू ले इन लद्दाख, तो मंडी टू ले लद्दाख में कनेक्ट करता है ये बारालाचला पास, बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश, मंडी हिमाचल प्रदेश ले लद्दाख कनेक्ट करता है। फिर दिप्सा पास है कुल्लू और स्पीति वैलीज, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और स्पीति वैलीज को कनेक्ट करता है दिप्सा पास कुल्लू एंड स्पीति वैली, दोनों ये हिमाचल प्रदेश में दोनों कुल्लू एंड स्पीति वैली दोनों को कनेक्ट करता है दिप्सा पास। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास कुल्लू लाहौल एंड स्पीति वैली, कुल्लू लाहौल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू लाहौल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है रोहतांग पास। फिर ये हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है शिपकिला पास, इससे सतलज रिवर पास होती है, तो ये है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास ये यहाँ से सतलज रिवर आती है एंड ये तिब्बत को कनेक्ट करता है शिपकिला पास तिब्बत एंड हिमाचल प्रदेश, तिब्बत एंड हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के पास की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ पे हमने देख लिया शिपकिला पास। फिर यहाँ पे है लिपू लेक पास, लिपू लेक पास ये उत्तराखंड खत्म होता है, वहाँ पे नेपाल एंड चाइना एंड इंडिया के जंक्शन पे है लिपू लेक पास, लिपू लेक पास ये जंक्शन पे है कि लास्ट मानसरोवर की यात्रा लिपू लेक पास के थ्रू जाती है। तो उत्तराखंड में मन्ना पास है, ये बद्रीनाथ के थोड़ा नॉर्थ पे है मन्ना पास, ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है मन्ना पास, तो मन्ना पास उत्तराखंड टू तिब्बत। फिर इसके नीचे नीति पास, नीति पास भी उत्तराखंड और तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो हमने देखा उत्तराखंड में तीन इंपॉर्टेंट पास है, तो इंडिया में उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यहाँ पे है मन्ना पास, फिर नीति पास एंड लिपू लेक पास, लिपू लेक पास ट्राई जंक्शन पे है, तो मन्ना पास नीति पास एंड लिपू लेक पास, मन्ना पास नीति पास एंड लिपू लेक पास इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया नेपाल एंड तिब्बत। उत्तराखंड में अगर देखे तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में तीन चार पास है यहाँ पे, तो लिपू लेक पास है लास्ट में, ये तो ट्राई जंक्शन पे है एंड बाकी पास है मन्ना पास ये भी उत्तराखंड टू तिब्बत, सारी उत्तराखंड टू तिब्बत, मन्ना पास मंगशाधुरा ये भी कैलाश मानसरोवर के लिए यूज होता है, मंगशाधुरा एंड लिपू लेक दोनों कैलाश मानसरोवर के यूज होता है। मंगशाला नीति पास विंटर में क्लोज रहता है, नीति पास एंड मुलिंगला पास तो ये सारे उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। मन्ना पास
मंगसाधुरा नीति पास एंड मुलिंगला पास, मना पास, मंगसाधुरा नीति पास एंड मुलिंगला पास। तो सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट पास है, ये नेपाल खत्म होता है यहाँ पे, सिक्किम स्टार्ट होता है, यहाँ दो मेन पास है, नाथुला एंड जेलेप्ला, नाथुला एंड जेलेप्ला, नाथुला एंड जेलेप्ला, नाथुला एंड जेलेप्ला। नाथुला पास करता है सिक्किम टू सिक्किम टू तिब्बत, तो यह है भूटान, यह है सिक्किम, यहाँ पे नाथुला कनेक्ट करता है सिक्किम टू तिब्बत, एंड फिर जेलेप्ला कनेक्ट करता है सिक्किम टू भूटान, सिक्किम टू भूटान जाता है जेलेप्ला, सिक्किम टू भूटान जेलेप्ला, एंड नाथुला जाता है सिक्किम टू तिब्बत, एंड जेलेप्ला जाता है सिक्किम टू भूटान। एंड ये नाथुला पास को बंद कर दिया गया था 1962 वॉर में, लेकिन ये 2006 में फिर से खोल दिया गया ट्रेड बनाने के लिए, केवल उन्होंने ट्रेड करेंगे इस रूट से 2006। यहाँ सिक्किम एंड भूटान के बीच में जो वैली है इसको बोलते हैं चुंबी वैली, तो इसको बोलते हैं चुंबी वैली, यहीं पे नाथुला एंड जेलेप्ला। अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान को कौन सा पास कनेक्ट करता है? अरुणाचल प्रदेश है ये, भूटान है ये, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे बोमडिला पास, तो इनके बीच में बोमडिला पास, यहाँ पे बोमडिला पास, तो अरुणाचल प्रदेश भूटान बोमडिला पास, बोमडिला पास, तो अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान बोमडिला पास, अरुणाचल प्रदेश भूटान बोमडिला पास, अरुणाचल प्रदेश भूटान बोमडिला पास। अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के बीच में दिहांग पास, अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के पास है दिहांग पास, दिहांग पास है अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। फिर है टाइफर पास, टाइफर पास इन ट्राई जंक्शन पे है, यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे इंडिया है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे म्यांमार, तो अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार में दिहांग पास, एंड अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार एंड तिब्बत के बीच में है हमारा डाइफर पास, तीनों के ट्रांजेक्शन पे डाइफर पास, डाइफर पास, डाइफर पास, डाइफर पास। योंगयांग पास है, ये अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है, योंग यांग पास अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है, योंगयांग पास अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, योंगयांग पास। फिर अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार को कौन कौन से पासेस कनेक्ट करते हैं? एक है खुमजंग पास, एक है खुमजंग पास, ये अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार को कनेक्ट करता है खुमजंग पास, एंड एक यहाँ पे है पुंगन, पुंगन पास, पुंगन पास या एस साइलेंट है पुंगन पास, फिर एक है चनकन पास, फिर एक है चनकन पास, तो तीन पास हैं ये म्यांमार को कनेक्ट करते हैं, एंड एक और पास था दिहांग पास, तो दिहांग पास, दिहांग पास एंड खुमजंग पास, हुमपुंग पास एंड चनकन पास, ये इंडिया एंड म्यांमार को कनेक्ट करते हैं। एंड फिर यहाँ पे है एक इम्पॉर्टेंट डाइफर पास, डाइफर पास टाई जंक्शन पे है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार एंड तिब्बत के टाइम जंक्शन पे, टाइफर पास ये ऑल ऑल ईयर ओपन रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंडिया एंड म्यांमार इसे ट्रेड करते हैं टाइफर पास के थ्रू। फिर इंडिया है हमारे पेरिशनल रिनी में तालघाट एंड बोरघाट, तो ये है तालघाट पास, तालघाट एंड बोरघाट, तो बोरघाट, तो तालघाट ये मुंबई वाले एरिया में, मुंबई वाले में तालघाट ही कनेक्ट करता है मुंबई टू नासिक, एंड बोरघाट वाला कनेक्ट करता है मुंबई टू पुणे, तो मुंबई टू नासिक जाना है, मुंबई टू नासिक तालघाट एंड मुंबई टू पुणे बोरघाट। फिर नीचे साउथ में है ये पालघाट पास, और इसे पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं, पालघाट का पलक्कड़ गैप, नॉर्थ ये 50 किलोमीटर का गैप है पालघाट पलक्कड़, ये पूरे वेस्टर्न घाट में सबसे बड़ा गैप है पलक्कड़ गैप 50 किलोमीटर का, तालघाट बोरघाट एंड पालघाट और पलक्कड़ गैप।